नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे हादसे की चर्चा हर तरफ हो रही है और हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर यह दुर्घटना हुई कैसे। लोग इसे अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से बयां भी कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आज वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो वीडियो है जिस दौरान रोपवे के ट्रॉली पर बैठा एक युवक उस दौरान की तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये है देवघर का त्रिकुट पहाड़, जहां की ऊंचाइयों पर बैठकर एक युवक अपने कैमरे में वहां मौजूद वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। देवघर के त्रिकुट पहाड़ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है वीडियो के माध्यम से कि झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता कितनी खूबसूरत है। देखते ही देखते अचानक से तेज आवाज आती है। गौर से सुनिए आप इस आवाज को। तो आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में उस ट्रॉली के अंदर मौजूद युवक वीडियो बना रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि थोड़ी ही देर में ऐसी दुर्घटना होने वाली है और देखते ही देखते यह खूबसूरत वीडियो जो है वो डरावनी तस्वीरों में तब्दील हो गया। युवक के हाथ से मोबाइल छूट जाता है और वो इस वीडियो को आगे कैप्चर नहीं करता है और इसके आगे क्या कुछ हुआ है वो हम सब जानते हैं। जिस तरीके से देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे हादसा हुआ है और उस हादसे में कई लोगों की जान भी गई, लेकिन इन सब के बीच सवाल भी कई उठ रहे हैं कि आखिर इस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार कौन है। हालांकि जिम्मेवार जो भी है उसको जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं, लेकिन ये वीडियो अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है और बताता है कि कैसे एक खुशी का माहौल अचानक से डर में तब्दील हो गया और देखते ही देखते वहां मौजूद सभी लोगों के अंदर खौफ कायम हो गया। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।